हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये क्लिप उसी दिन की है, सैटरडे की क्लिप है। और सब लोग, मतलब देवरानी जेठानी है ये लोग, तो सब लोग बैठ के गपशप कर रहे थे, तो हमने इस मोमेंट को थोड़ा कैप्चर कर लिया। थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये जो खड़ी हैं बड़ी चाची हैं, फिर वो बीच वाली चाची हैं, माँ हैं, और एक और चाची हैं, वो अभी यहाँ नहीं थी तो इसीलिए वो नहीं, लेकिन पापा चार भाई हैं तो चार चाची हैं। और अब हो गई है संडे की सुबह, मतलब जिस दिन हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं उस दिन का टाइम है। माँ अपने तैयारियों में लगी हुई हैं और मैं भी किचन में हूँ। मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद लंच जो है वो माँ ने बनाया, क्योंकि फिर मैं अपना तैयारियों में, पैकिंग में, इन सब में बिजी हो गई थी। तो दाल चावल दोपहर में माँ ने बनाया हम लोगों के लिए, ले जाने के लिए भुजिया और पूरी माँ ने बनाई थी। तो सुबह मैं बना रही हूँ, ये मिक्स टाइप की सब्जी है, बैंगन है, बीन्स है, आलू है, और जो बड़ी आती है ना, जो उड़द दाल की और चने दाल की बड़ी आती है, वो मैंने इसमें डाली है। और आई थिंक मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं बड़ी के साथ सब्जी की, अगर नहीं है मैं एक बार चेक करूँगी तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी लगती हैं और आजकल तो रेडीमेड बहुत मिल जाती हैं और इनको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप घर पे बड़ी बनाएंगे, मैं बना के भी दिखा दूंगी आप लोगों को, बहुत इजीली बन जाते हैं। और ये कटे थे पत्ते जो खेत से लोग लेकर आए थे ना, प्याज के पत्ते, हरे प्याज, वो कटे थे पकौड़े के लिए, पर ये ऐसे रखे के रह गए, इनको बनाने का किसी को टाइम ही नहीं मिल पाया। और ये मैंने पनीर की स्टफिंग बनाई है, सोचा कि चलो एक बार पनीर के पराठे बना के सबको खिला देती हूँ। तो पनीर के पराठे और वो सब्जी, ये मैंने बनाया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। अभी माँ और मैं साइड बाय साइड, किचन से भी साइड बाय साइड सारी तैयारियों में लगे हुए थे। तो हम लोग गए थे सुबह सुबह नींबू तोड़ने के लिए। तो ये जो भैया नींबू तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, इन्हीं भैया को जो हमारा बैकयार्ड है इसकी देखरेख करने के लिए, और इसमें वो जो चाहे बो सकते हैं इसके लिए, मतलब अपॉइंट किया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि इनको बटैना पे दिया हुआ है। तो यही सारा काम करते हैं बैकयार्ड का। और आज ये यहाँ पे थे, आज पूरा पीछे का साफ सफाई करके वहाँ पे कुछ बोने वाले थे लोग, तो उसी का काम कर रहे थे सब लोग। जाने की सारी तैयारी, सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ। बिना नहाई धोई लग रही हूँ लेकिन मैं नहा चुकी हूँ। सुबह से लगभग 5 घंटे लग गए मुझे, ये व्लॉग एडिट करने में बहुत लंबा व्लॉग था, और 2 घंटे लगभग मैं कल भी इसको अरेंज करके एडिट करके सोई थी, और 5 घंटे आज मुझे आज टोटल लगे हैं। तो वो सारा भी काम हो गया, अभी दोपहर हो चुकी है, घर के भी सारे काम किए, नहाना धोना वगैरह, कुछ सामान अभी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, और ऑलमोस्ट दोनों बैग पैक हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है। खाना जो ले जाने, हाँ क्या जाऊँगी छत पर शांत की, और सिद्धार्थ बहुत दुखी है, सोने वो ऐप जाऊँ मैं कल से ही बहुत ज़्यादा दुखी है। नहीं, छत पे नहीं जाना, पापा से पूछो जाके जाओ। खाना भी बन ही चुका है, खाना हमने दोपहर का खाना खा भी लिया। इनफैक्ट तो सुबह मैंने बनाया था पनीर का पराठा और ये मिक्स सब्जी बनी थी, ये मिक्स सब्जी बनाई थी, पनीर का पराठा बनाया था। अभी ले जाने के लिए हमारा आलू और गोभी का भुजिया वो माँ ने बनाया है, आटा माँ ने गूंद के रख दिया पूड़ी के लिए। तो वैसे तो लिट्टी
बनती है सफ़र पे ले जाने के लिए, पर लिट्टी खाने का बिल्कुल मन नहीं था और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो मैंने माँ को बोल दिया पूरी बनाने के लिए, तो पूरी हो चुका है। इसके पकौड़े हस्बैंड को खाने का बड़ा मन था, ये पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1.5 घंटे में हमें निकलना है। तो अभी मैं फ़ाइनल देख रही हूँ सब कि कुछ यहाँ वहाँ छूटा तो नहीं है, फाइनल पैकिंग बिल्कुल चल रही है। अभी एक और बैग निकलेगा जिसमें सारा प्रसाद जाएगा, ठेकुआ वगैरह, फोकस, तो उसमें सारा प्रसाद जाएगा, ठेकुआ वगैरह, और लाइट आ जाए बस, मुझे अपना ड्रेस आयरन करना है और उसके बाद पहनना है, लाइट का वेट कर रही हूँ। तो चलो बाद में मिलते हैं। तो मैंने और माँ ने मिलके फटाफट पूरियाँ तल ली, क्योंकि पूरियाँ तलने में 2 आदमी लगते हैं। सारा काम हो चुका है, बस मैं फाइनली अब खाना पैक कर रही हूँ अचार वगैरह के साथ में, पूरी और सब्जी। पूरी तरह से हम लोग सेट हैं अब जाने के लिए, सारे बैग एकदम पैक हैं, एकदम फाइनली पैक हैं। ये वाला भी पैक है, ये वाला भी पैक है, और प्रसाद और ठेकुआ का बैग अभी उस रूम में रखा हुआ है। सिद्धार्थ अभी भी खेल रहा है, मतलब तैयार हुआ है, रो के वो खेल ही रहा है, भागी दौड़ कर रहा है, और वहीं से उसको लेकर के जाना पड़ेगा। तो सब बहुत दुखी दुखी हैं, और माँ भी जा रही हैं साथ में छोड़ने के लिए। इस बार हर बार पापा जाते थे, इस बार माँ भी जा रही हैं साथ में। तो अभी हो गया है 4:30 हो गया है, चाय वाय हमने पी ली है शाम की, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी वाले ने बोला था 4:30 आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं है, बस गाड़ी आ जाएगी तो निकलते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ बेटा एक मिनट आना, सिद्धार्थ आ जाओ बेटा, दही खा लो, जल्दी आओ, एक मिनट जल्दी आओ, जल्दी आओ। दही टेस्ट करो, मैं करवा रही हूँ ना, और यहाँ पे बाहर से ही जय कर लो भगवान जी को, पूजा घर इधर, पूजा घर कहाँ है, जय करो। हाँ तैयार है माँ, मैं विंडो सीट में बैठूंगा, इस साली विंडो सीट, प्लीज। बाय। अरे हो भगवान की बोल रहा है। Yeah, that's it.
वो कहाँ गया? मेरा बैग दे दो मुझे, ब्लैक वाला कैमरे वाला बैग था, वो भी टंगे हुआ है, और लैपटॉप आ रहा है बेटा, बोल लो किधर से। गाड़ी का वेट करते हुए सिद्धार्थ अपने दादा दादी के साथ कर रहा था खूब मस्ती भी करता है और परेशान भी बहुत करता है, लेकिन ये है कि दादा दादी को परेशान होने में मज़ा भी आता है, पूरा हिला के रख देता है माँ को, तो एकदम गोदी में बैठ के उनको एकदम हिला देता है, दुबली पतली है तो एकदम उनको कंट्रोल कर लेता है, तो सिद्धार्थ को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने दादी को एकदम हिला दिया। तो बस ये थोड़ा फाइनल वाला प्यार चल रहा है, उसके बाद तो बहुत दिन बाद मिलना हो पाता है। ट्रेन में बैठने वगैरह का और ये सब इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी में होता है कि वो कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं था, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी तो वो सब शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिलहाल ये छोटी सी क्लिप बस हम लोग ट्रेन में से शूट कर पाए हैं, ये नेक्स्ट डे का है, मतलब रात हम लोग बिता चुके हैं, अगले दिन थोड़ा सा जलपान चल रहा है तो वही थोड़ा सा शूट किया है। और ये हम पहुंच गए दिल्ली, और यहाँ की भीड़ भाड़ आप देख ही सकते हैं, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गजब की भीड़ थी और बहुत हम लोग एग्जॉस्टेड हो चुके थे बिकॉज 5 आवर्स लेट थी हमारी ट्रेन। बाकी ट्रेन तो ऐसे ही उसमें टाइम लग जाता है, 18 घंटे तो बोलते हैं कि लगते ही हैं, उसके अलावा 5 घंटे लेट थी ट्रेन, तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, इस टाइम तक लग रहा था कि घर कैसे पहुँचे। तो बस ये नई दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं और यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ था, और यहाँ भी हमको 45 मिनट्स वेट करना पड़ा कैब के लिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जगह की वजह से हो गई थी तो इसीलिए 45 मिनट्स हमको रुकना पड़ा। बट ये जो दिल्ली का स्टेशन बनाया है ना, इसके कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया, बहुत प्यारा लग रहा था ये जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया है लाइट से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं दिल्ली पहुंच गई और वो वाला व्लॉग जो मैंने वहां से स्टार्ट किया था उसको मैंने एंड ही नहीं किया। मैं परसों पहुंची थी रात को 8:30-9 के आसपास, और उसके बाद कल का पूरा दिन सिर्फ अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, वॉश करना इसी में गया। मेरी सिस्टर भी थी तो जितने दिन मैं वहाँ थी, मतलब गाँव में थी, उतने दिन सिस्टर यहाँ पर रुकी हुई थी, तो वो कल भी रुकी मेरी हेल्प करवाने के लिए कि जितना भी चीज़ें अरेंज करना है, क्योंकि कहीं से आओ ना तो बहुत काम बढ़ जाता है, कपड़े निकालो, धो, सूटकेस खोलो, सारा अनओपन करके रखो, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो उसने बोला कि चलो मैं आज रुक के सारा पहले वो अरेंज करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो उसने सारी चीज़ें मेरी अरेंज करवाई, जितने भी कपड़े थे वहाँ के वो सारे मैंने वॉश वगैरह करके रख दिए, सूटकेस सारे वॉश करके धो धा के रख दिए। सूटकेस धोना इसलिए पड़ा, वैसे तो मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, बैग खाली मैं हमेशा धोती हूँ, लेकिन सूटकेस आप पूरा धो नहीं सकते हो, तो अच्छे से गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछ करके मैं रखती हूँ, मतलब जो लगेज बैग है उसको, ट्रॉली वाला जो होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, हम लोग खड़े हुए थे, मतलब गाड़ी रुकने वाली थी तो हम लोग सामान निकाल करके खड़े हुए थे, और वहीं पे कोई और पैसेंजर भी खड़े हुए थे, तो उनका छोटा सा बेटा था 7-8 साल का, और उसने ना वॉमिट कर दिया, तो वो सारा मेरे सूटकेस का जो नीचे का साइड होता है उस पर सारा वॉमिट हो गया था, तो मुझे पूरा धोना ही पड़ा फिर घर लाके। तो वो सब कुछ किया, ये सारा कुछ करने में मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली कि मैं वो जो व्लॉग है उसको प्रॉपर एंड करूँ।
तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया प्रॉपर एंडिंग के लिए। और अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, 1:15 हो गया, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी, आप लोगों तक वीडियो पहुंचानी है, तो मैं एडिटिंग कर रही थी और सुबह के सारे काम। सिद्धार्थ स्कूल गया, आज उसका फर्स्ट डे, इतने छुट्टी के बाद आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल का, और इसके एग्ज़ाम जो है परसों से स्टार्ट। 10-12 दिन में उस बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, वहाँ सब कुछ थोड़ा सा भूल गया, ब्लर हो जाता है ना थोड़ा सा, आप 10-12 दिन किसी चीज़ को टच ना करो तो बच्चे भूलने लगे। उसका फर्स्ट जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो परसों है, तो उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो कल उसको ट्यूशन लेके जाना, फिर थोड़ा सा मैंने घर पे भी पढ़ाया, तो इसीलिए कल बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिला, बहुत हैक्टिक सा डे था कल। मैंने सोचा कि चलो आज मैं कैमरा उठा के पहले आप लोगों से बाय कर देती हूँ, ये व्लॉग एंड कर देती हूँ, और उसके बाद यहाँ के दिल्ली के जो न्यू व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस ये वाला जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अब आगे आपको ये जो दिल्ली वाले व्लॉग्स हैं फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ जो चल रही थी वही देखने को मिलेंगे। तो बस ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।